सात से आठ हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, अदरक, हरा धनिया, इसे हमें मिक्सर में दरदरा पीस लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें मिक्सर में इसे पीस लेना है। इसे साइड में रख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ली है तीन उबले हुए आलू। इस आलू को मैंने मैश कर लिया था। इसमें डाल दीजिए बनाया हुआ हरी मिर्च का पेस्ट, एक चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक और 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमें बहुत कम लेना है। और एक चम्मच तेल। इस स्टफिंग को अच्छी तरह से मिला लीजिए। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम पेज भी, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है मैजिक मीनाक्षी। तो मैंने इस स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ब्रेड पर इस स्टफिंग को अच्छी तरह से लगा लीजिए। स्टफिंग को ब्रेड पर अच्छी तरह से फैला लीजिए और इस पर रख दीजिए दूसरा ब्रेड। इसे थोड़ा प्रेस करें, इसे साइड में रख दीजिए। इसी तरह से हमें सभी ब्रेड पर स्टफिंग लगानी है। तो देखिए दोस्तों मैंने सभी ब्रेड पर स्टफिंग लगा ली है। इन्हें कुछ देर तक साइड में रख दीजिए। एक कटोरे में डाल दीजिए 100 ग्राम बेसन, स्वादानुसार नमक, आधा ग्लास पानी और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। हमें पाव वड़ा का बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, तो आपको इस तरह से बैटर बनाना है। इसमें अब जो स्टफिंग की हुई ब्रेड है उसे डालें। हमें ब्रेड को अच्छी तरह से बेसन में डिप करना है। तो चलिए अब हम इसे तलते हैं। तेल को हमें मीडियम हीट पर गरम करना है और इसमें डाल दीजिए डिप की हुई ब्रेड। हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। ब्रेड को पलट लीजिए। अब हमें इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है। फिर से एक बार इसे पलट दीजिए। हमें इस ब्रेड को अच्छा कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। तो देख सकते हो ब्रेड अच्छे से फ्राई हो चुकी है। गैस को फ्लेम को कर दीजिए बंद और स्ट्रीट स्टाइल पाव वड़ा तैयार है। इसे गर्मा गर्म टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक ब्रेड कट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो स्टफिंग कितने अच्छे से ब्रेड में लगी हुई है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।